हेलो गाइस, वेलकम आपका मेरे न्यू वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। और गाइस, मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज से मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, तो गाइस उन चेंजेस को जरूर देखिएगा। मतलब चेंज करने वाला हूँ अपने कंटेंट को, तो गाइस उस कंटेंट के बारे में जानिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और गाइस, कंटेंट में चेंज होने वाला है, जो आपको वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। और गाइस, फिलहाल मैं बस आज की वीडियो का ये एक चीज़ बता सकता हूँ मैं, कि आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि युवाओं की सोच क्या है। जैसे अपने जनरेशन के, मतलब मेरी जनरेशन के, सॉरी अपनी क्या, मेरी जनरेशन के युवा है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी सोच क्या है, मतलब उनकी सोच अपने भविष्य के लिए क्या है। तो गाइस, इसके ऊपर आज व्लॉग शूट करेंगे अपन। तो गाइस, ये शायद मेरा 108वां व्लॉग है। तो गाइस देखिएगा, गाइस बहुत मज़ेदार व्लॉग होगा आज। मतलब कई दोस्तों से और कई कई लोगों से मिलाऊंगा मैं आपको, कई लड़कों से मेरी उम्र के, जिनकी सोच वो क्या बताते हैं अपने बारे में, कि उनको अपनी भविष्य की टेंशन कितनी है कितनी नहीं है। तो गाइस वो जानिएगा, गाइस बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं, अनजान व्यक्तियों से मिलेंगे, तो क्या है मेरे दोस्त, क्या हम काफ़ी अनजान व्यक्तियों से मिलेंगे, जिनसे पूछेंगे अपन कि उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं अपने भविष्य के लिए, कि कैसा चल रहा है अपने भारत की युवा पीढ़ी का जनरेशन कैसा चल रहा है, तो वो देखेंगे गाइस इस ब्लॉग के अंदर। तो गाइस कंटेंट में बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी थोड़ी देर में अपन बाहर चलेंगे और फिर पूछेंगे गाइस सभी से कि गाइस आजकल सोच क्या रहे हैं यार लोग, कहाँ पर चल रही है अपनी जनरेशन। देखते हैं गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में सभी में शेयर कीजिएगा। तो गाइस फिलहाल में चलते हैं, और गाइस क्या है, रुमाल बांध लेते हैं, और क्या है, मच्छरों का बहुत ज़्यादा भयंकर काम है अब। तो गाइस रुमाल बांध लेते हैं और चश्मा भी लगा लेते हैं गाइस, और चलते हैं गाइस अब कॉलेज में। और कॉलेज में देखते हैं गाइस, पूछते हैं सभी से कि क्या सोच है लोगों की। तो गाइस फिलहाल में कॉलेज में पहुँच चुके हैं, और गाइस कॉलेज का माहौल देखिए, कॉलेज में बहुत तगड़ी पब्लिक है। और गाइस कॉलेज में आज अपन युवाओं से, मतलब अपनी जनरेशन के लड़कों से पूछते हैं कि गाइस उनकी क्या सोच है आज के माहौल के हिसाब से, कि यार वो क्या करना चाहते हैं अपने भविष्य में। तो गाइस अभी आने वाले हैं दोस्त और कई अनजान, उन दोस्तों के और दोस्त जिन्हें मैं नहीं जानता, उनसे भी पूछेंगे गाइस, बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा गाइस क्या सोचते हैं आजकल के युवा, जब मज़ा आएगा गाइस। तो गाइस फिलहाल में स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ये भैया बैठे हुए थे, और गाइस इनसे पूछते हैं अपन। तो भैया, आप आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आज ये क्या है मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रखा है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अपने जैसे युवा है, मतलब अपनी जनरेशन ही है, तो अपनी जनरेशन में आप क्या सोचते हो अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी जनरेशन में क्या, मतलब क्या सोचते हो कि मुझे फ्यूचर में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। यार करना तो बहुत ही चाहता हूँ, जैसे कि पहले एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, अच्छा ठीक है, उसके बाद में सेटल होना है, मतलब मतलब आगे, मतलब कि एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बिजनेस सेट करना, थोड़ा फिर से इनकम स्टार्ट होगी तो पापा को बिजनेस सेट करके देना है, और भी कुछ जो सपने हैं मेरे उनको पूरा करना है, मेरे जो शौक है वो पूरे करना। तो आप अपने पेरेंट्स के सपना पूरा करना चाहते हो कि आप अपने खुद के पूरे करना चाहते हो? पहले मैं उनके पूरे करना चाहता हूँ, उनके पूरे करने के बाद जो मेरे शौक है मैं वो करना चाहता हूँ। अच्छा, तो गाइज इनकी तो सोच काफ़ी अच्छी है, जैसे कि इन्होंने बताया अपने पेरेंट्स के सपने पूरा करना चाहते हैं भैया, और बहुत खुशी की बात है हमें भी यार कि अपनी मिले ऐसे भैया कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स के सपनों के बारे में सोचा। और गाइज अब कोई दूसरे भैया से पूछते हैं पर, तो गाइज ये हमारे भैया है, और अरे बिल्कुल सारी तसल्ली। तो गाइज आज का भैया हमारा युवाओं के ऊपर है ब्लॉग, तो हम कॉलेज में इसलिए आया है कि आज हम पूछ सके, मतलब अपनी जनरेशन के लड़कों से, कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, कि मेरी गर्लफ्रेंडों के बारे में, मतलब किसी चीज़ के बारे में। शर्माओ मत, अरे देखो 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 गाइस यार बग शर्मा गए यार भैया। आने दो गाइस हमारे दूसरे भैया आ गए हैं, और
और भैया हेलो सर, क्या हाल है? अब अच्छे तो बस मिल लिया, बहुत 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 प्रोपो आजी महाराज, बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, आप इतनी दूर आए तो मैं, आज का टॉपिक यही है कि जैसे कि युवाओं की सोच क्या है, ठीक है, आज के युवाओं की सोच। नहीं मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो, ठीक है, तो बाद में वह कर लीजिए, मारी सुन तो लियो, सुनो तो कौन सुनो, माँ मत देखो, मारी सुन ले एक बार, देख कौन माने। जब तक मार को जवाब नहीं मिलोगे ना, जब तक मैं बंद कौन कर, मार को जवाब दो। अभी अभी वीडियो चल रू से ध्यान रख, समझ में मैं जो पूछ रहे हो जो बताओ, लाइन में नहीं तुम जो पूछ रहे हो जो बताओ, जब मैं पूछ, मारी बात सुनो, मारी बात सुनो, मैं जो पूछ रहे हो जो, ठीक है, मैं ये पूछ रहे हो कि देख, समझा नहीं ना यार, मैं ये पासे पड़ फटाफट कह दियो गए यार, या करूं कौन सुनो कौन यार, तुम यार सुनो तो सही, सुनो मारी जाने बोल दिया ना, कोई मारी सुनो तो, मारे सुन लियो तो, तुम शर्मा के रिया से बताओ, कोई छोरी चो, कोई छोरी चो के तो गाइस, भैया का नाड़ा भी दिख रहा है भैया का नाड़ा दिख रहा है, और गाइस भैया बहुत ज़्यादा चिकने लग रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, और भैया हैप्पी टेडी डे, आज टेडी डे के ऊपर कुछ स्पेशल, भगवान से दूर है क्यों, रोज डे सेलिब्रेट नहीं किया आपने, क्यों तो हमारे, मेरी बात सुनो, हमारे कुछ सवाल थे उनके जवाब दीजिए आप, अगर जवाब देते हो, गर्लफ्रेंड बनाने में कितना समय लगता है, क्या बोल बोल बोल, फ्रेंड को गर्लफ्रेंड बनाने में कितना समय लगता है, फ्रेंड को गर्लफ्रेंड बनाने में, अरे यार ये सवाल कौन है हमारे यार, पूछ रहे ना सवाल, आज की युवा की सोच, आप बस ओनली फॉर कैमरा मैन, आज की युवा की सोच, पूछो पूछो पूछो, आज मीडिया परिवार मत बोलो आप, आधा डालेंगे, बताइए सर, कहने की देर है बस, बताइए ना कैसे कहें, कैसे कहें, किस प्रकार से, किन शब्दों का प्रयोग करके उन्हें कहे कि चप्पल से बच जाए हमारे प्रेम बंधन में बांधा जाए, नहीं है जब ट्रेंड है चप्पल पकड़ के सुना, बताइए किन किन शब्दों का उपयोग करके हमारे उनको हमारे प्रेम बंधन में जो है बांधा जाए, बोलो एक्सपर्ट तभी तो पूछ रहे हैं आपसे, बोलो जो 14 तारीख के दिन वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उसके ऊपर कुछ माहौल बन रहा है आपका, पूरी भारत में माहौल नहीं है, पढ़ो लिखो, अच्छा देश की जनता देख रही है, आईएएस बनो, आईएएस आईएएस लड़कियों में पढ़ने में आईएएस आईएएस बनो, तो गाइस आजकल की सोच है ये, आजकल की तो आप अपने फ्यूचर को लेके कितना कितना वो है, बहुत फोकस है, अच्छा मतलब पूरा फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेशन है, बिल्कुल कोई भी लड़की वड़की नहीं, कोई वैलेंटाइन डे नहीं, तो गाइस सोच सभी की सही है यहाँ पर, तो और आगे का माहौल देखते हैं, आगे भी आएंगे अभी और उनसे भी पूछते हैं अपन, तो गाइस अभी अपन कॉलेज के गार्डन में आ गए और यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक है, तो गाइस इनमें से कोई लोगों को चुनते हैं और उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं अपन कि कॉलेज में क्या माहौल है और आज की सोच का क्या माहौल है, चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक है और यहाँ पर काफ़ी सारे भैया है, तो गाइस इनमें से किसी को एक को पकड़ना पड़ेगा, क्या है यार ऐसे अनजान है, तो गाइस अपन उनके पास चलते हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर चलते हैं अपन, गाइस उधर होकर चलते हैं, तो आइए, तो गाइस उनसे पूछते हैं अपन और उनसे पूछेंगे कि क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या नहीं होते, तो गाइस जिससे कि आजकल के लोगों की क्या सोच है, अपने बच्चों की, अपनी जनरेशन की, नई जनरेशन की, तो भैया हम यूट्यूब से हैं तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत हो ना हो तो आप जवाब दे सकते हैं, जी भैया ज़रूर देंगे, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आजकल के लोगों की सोच है, मतलब अपनी जनरेशन के, कि आजकल क्या करना चाहिए, मतलब खुद के भविष्य को लेकर,
तो जैसे कि आप क्या सोचते हैं अपने भविष्य को लेकर कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं मतलब क्या तरीके से करना चाहता हूँ कि आप भी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड में हाँ ये उम्र है मानते हैं, लेकिन क्या है जैसे कि आप क्या अपने भविष्य को लेकर कितने वो है? देखो भाई सबसे पहले तो ये है कि करियर जरूरी है, पहले करियर जरूरी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले करियर पे ध्यान दे वो बेस्ट है। अच्छा, मेहनत करें ऑटोमेटिक सफलता जरूर मिलेगी अगर मेहनत करेंगे तो। JBF तो बाद में भी हो सकती है, JBF का ये वैसे। तो आपकी GF है क्या? मेरी GF वैसे है नहीं अभी तक, तो पहले मैं करियर पे ध्यान दूंगा। अच्छा, क्योंकि पैसे होंगे तो GF ऑटोमेटिक ही बन जाएगी, ऐसी कोई बात। तो गाइस इनका यही डायलॉग है कि गांधी है जेब में जब भी लड़की प्यार में आंधी है। तो यही है इन भैया का। और भाई बंद कर ले, रुक जाओ काई बोलो इन सब पूछ लिया थोड़ा। तो फाइनली गाइज घर पे पहुंच चुके हैं। और गाइज आज आपने देखा कॉलेज में गए और आपने देखा कि मेरी जनरेशन और हमारी जनरेशन के युवा क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते और कैसी उनकी भावनाएं हैं, कैसे उनके सोचने के विचार हैं। गाइज आप सभी ने देखा होगा गाइज आजकल के लड़के लड़कियां सभी की सोच देखी होगी आपने गाइज। और देखते हैं यार गाइज अभी तो पहला मैंने एक कंटेंट चेंज करने की कोशिश की है गाइज। कंटेंट अगर बढ़िया लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा गाइज, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा गाइज वीडियो को, जिससे आज के युवाओं की सोच का पता चले लोगों को यार कि क्या सोच रहे हैं आजकल के बच्चे, क्या सोचते हैं लोग यार। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गाइज, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही मिलते रहेंगे नई मजेदार वीडियो में, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है गाइस, बाय बाय।